सुंदरपुर नाम के एक गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का नाम टुन्नू और बेटी का नाम टुनटुनी था। टूनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत ही निपुण थी और इसीलिए टूनी मिट्टी के बर्तनों को बेचकर अपने बच्चों को किसी तरह से पाल रही थी। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। कुछ ही दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इसीलिए टूनी ने मिट्टी के बर्तन बना दिए थे ताकि उन्हें बेचकर वह बच्चों के साथ उमंग व उत्साह से दिवाली का त्योहार मना सके। वह दिन भर दिए बनाती और उसकी बेटी टुनटुनी उसको बेचने के लिए बाजार जाती थी। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीद लो, सुंदर और सस्ते दिए खरीद लो, एक बार देख लो कितने सुंदर और सस्ते दिए हैं। टुनटुनी दिए बेचने के लिए आवाजें लगाए जा रही थी तभी एक चिड़िया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे चिड़िया, मेरी दुकान के सामने बैठकर दिए बेचना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल भाग यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। आंटी, मैं तो सड़क के किनारे बैठकर दिए बेच रही हूँ, क्या ये सड़क भी आपकी दुकान का हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दे, रुक तुझे अभी बोलना सिखाती हूँ। ये कहकर दुकान की मालकिन मीनू टुनटुनी के सभी दियों को उठाकर एक तरफ फेंक देती है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। टुनटुनी सोचते हुए सभी दियों को उठाती है और कहती है, किसी गरीब पर इस तरह से अत्याचार करना सही नहीं होता है आंटी, याद रखना परमात्मा सब देखता है। ये कहते हुए टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ एक कबूतरी उसे चुप कराते हुए कहती है, क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ और सारी बात बताओ। इस दुकान की मालकिन ने मेरे सारे दिए तोड़ दिए हैं, मैं यहाँ बैठकर दिए बेच रही थी, अब मैं क्या करूँगी, माँ को जाकर क्या कहूँगी। चुप हो जाओ बेटी और कहीं जाकर दिए बेच लो, गरीब को सताने में न जाने इन पैसे वालों को क्या मजा मिलता है, गरीब की कोई नहीं सुनता बेटी, भगवान तेरी मदद करेगा। ये कहकर बबली कबूतरी अपने घर चली जाती है और उसके बाद टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है। घर आकर टुनटुनी जब इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी उसे समझाने लगती है, रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है, मैं तुझे कल नए दिए बनाकर देती हूँ, कल से तू किसी और जगह पर जाकर बेच लेना, भगवान भी न जाने कैसा निर्दयी है जो हमारी सुनता ही नहीं है। टुनटुनी अपनी बेटी को और नए दिए बनाकर दे देती है और वह उसे बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। टुनटुनी पूरे लगन से दिए बेच रही थी लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उसके 60 रुपए के दिए ही बिक पाते हैं। आज तो सुबह से शाम हो गई और केवल 60 रुपए के ही दिए बिक पाए हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिवाली नहीं मना पाएंगे, इतने कम पैसों में तो दो वक्त का खाना भी मुश्किल से हो पाता है, फिर हम दिवाली कैसे मना पाएंगे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती है। माँ देखो ना, आज तो दिवाली का दिन भी आ गया और दिए तो बिक भी नहीं रहे हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिए बेचकर कुछ खास कमाई नहीं कर पाएंगे और इस बार भी हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा, तू बेच तो दिए, आज कुछ ज्यादा ही बिक जाए, क्या पता हमारी किस्मत कब चमक जाए, तू
माँ के समझाने पर टुनटुनी को कुछ हिम्मत मिलती है और वह दिए लेकर घर से निकलने लगती है। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है और कहता है, दीदी आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे जरूर लाओगी ना? दीदी बोलो ना। क्यों नहीं लाऊंगी, नए कपड़े, मिठाई और थैला भर के पटाखे लाऊंगी तेरे लिए। फिर तो मैं खूब दिवाली मनाऊंगा। उस दिन टुनटुनी को सारा दिन अपने भाई का चेहरा बार बार याद आता है। उस दिन टुनटुनी दिए बेचने में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाती है। वह लोगों को जोर जोर से आवाजें देकर बुलाने लगती है। लोग उसका उत्साह देखकर दिए भी खरीदने लगते हैं। आज तो कुछ अच्छी बिक्री हो रही है, शायद आज मेरे गरीब भाई की तमन्ना पूरी हो जाए, आज हम उमंग से उत्साह से दिवाली मना पाए। टुनटुनी पूरे उमंग से आवाजें लगाए जा रही थी, तभी एक अनोखी घटना घट जाती है। टुनटुनी देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया को एक शिकारी चील उठाकर ले जा रहा है। टुनटुनी भागी भागी उसके पीछे जाती है और उस चिड़िया को उस चील से बचाकर ले आती है। वो चिड़िया कोई और नहीं, सामने वाली दुकान की मालकिन मीनू चिड़िया की बेटी थी। जब मीनू चिड़िया अपनी बेटी को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगती है। कुछ ही देर बाद मीनू चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा आ जाता है। उसके बाद मीनू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को दिवाली की सारी शॉपिंग कराती है और उसे छोड़ने उसके घर तक आती है। उसके बाद मीनू चिड़िया का पूरा परिवार टुनटुनी चिड़िया के पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाने लगता है।